लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाराती के दुल्हन ले जा रहे हो, वो भी मेरे इलाके से मुझसे पूछे बगैर। हमारी नई नई शादी हुई है, हमारे पास जो कुछ भी आप ले लीजिए, मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। तुम्हारा पति तो गया, अब तो मेरी हो। इसकी बोली 1,000 थी और तुमने 10,000 तक बढ़ा दिया। इतना भी बढ़ाओ या खून पीने वाला है, जिसको अपनी जान प्यारी हो इसके पास न जाए। ये कहाँ है? Oh.
शरीफ, आपको चाहिए मुजरिम और मुझे इससे मतलब है। कौन हो तुम? भारत अम्मा ने प्यार से रखा था, मेरा नाम भारत। भारत, भारत। दुर्गापुर की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि दुर्गापुर के मेयर होने के नाते तुम्हारी शांति, तुम्हारे हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कभी कभी इन सरहदों को पार करके इस नगर में आकर इधर के नगरवासियों को डराने वाले लोगों को मैं पहचानने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं। मैं इस गांव के मेयर होने के नाते गाँव वालों से वादा करता हूँ कि उनके मन में जो डर बैठा हुआ है उस डर को गांव वालों के दिलो दिमाग से निकाल कर ही मैं दम लूंगा। ये मेयर का वादा है। गांव वाले बेखौफ होकर जिए। उन लोगों के घिनौने जुर्मों को देखते हुए मैंने उन्हें मौत की सजा देने का फैसला किया है। इसके पहले भी मैंने बहुत लोगों को सजा दी है। उनसे संबंध रखने वाले को भी मैं फांसी की सजा देने का फैसला कर चुका हूँ। Thank you.
आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो। हाँ हाँ, क्या हो जाता, अच्छी तरह समझता हूँ। आप कौन है? मेरा नाम सपना है। मेरे पिता रंजीत सिंह जी इस शहर के मेयर हैं। मेयर की लड़की होकर तुम अकेले बिना किसी को साथ लिए निकल पड़ी? हाँ? पेंटिंग करना मेरा शौक है और अपने शौक को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। इस तरह अकेले निकलने वाली लड़कियों के साथ गलत काम करना कुछ मर्दों का शौक होता है। देखो बेबी, ये दुनिया खूबसूरत के साथ बदसूरत भी है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। थैंक यू माय डियर यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की जान बचाई है आपने। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। कम ऑन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सॉरी, मुझे जाना। नहीं नहीं, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ तुम ले जाओ। अभी नहीं, फिर कभी जब आपके ख्याल में भी नहीं होगा उस दिन मैं अपना इनाम ले जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। ऑल राइट। मुसीबत बोलकर नहीं आती, लेकिन अच्छा यही है कि हम होशियारी से रहें। खास तौर से तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अरे अरे, इनको रोक। भागो भागो। अरे अरे तेलू, इसे रोक। हाँ सर। क्या है सर जी? हमने देखा है कि जनता हमारे सामने आने से डरती है, हमें देखती है इधर उधर भागने लगती है, दौड़ने लगती है। जनता तुमसे दूर जरूर भाग रही है, लेकिन तुमसे डरकर नहीं, तुम्हारे शरीर की बदबू से। अरे क्या मुझसे गंधा रही है? हाँ सूरी बाबू, 6 महीने से बगैर नहाए घूम रहे हो। तुम्हारे शरीर से मरे हुए कुत्ते की, बिल्ली की, गटर की, सुअर की बदबू आ रही है। अगर तुम अब भी नहीं नहाए ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं सोचता था तुम्हें मेरी बदबू पसंद है, तुम इतना जोर दे रहे हो इसलिए मैं नहाने के लिए तैयार हूँ। चलो चलो चले बट्टू बाबू के पास। रोज क्या बात है पिताजी? ये सर्विस में सर 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 कहना है, नहीं तो ये भेड़े लोग टेबल पे खड़े होकर नाचने लगेंगे। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। वाह बट्टू बाबू, सब लोग भाग गए, क्या कोई जरूरी काम है? तुम अपना सर पकड़ कर क्यों बैठे हो? कहीं इसका कारण मैं तो नहीं हूँ ना? अरे नहीं 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 बाबू, ये सारे बेवकूफ है, इनको आपके बारे में पता ही नहीं इसलिए चले गए। ये मेयर के आदमी हमेशा यहाँ आकर दादागिरी करते हैं, इसलिए इनको भगाने के लिए आपके जैसा खिलाड़ियों का खिलाड़ी चाहिए। मेरा क्या दोष होगा? मेरे जैसा सच्चा और अच्छा आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, समझ में आया तुम्हें? बाबू सुनिए, बाबू आपको क्या चाहिए, आप बस ऑर्डर कीजिए, चुटकी बजाते ही हाजिर। एक बड़े जग में 20 बोतल बियर डालकर लाओ। 20 बोतल बियर पियोगे तो पेट फट के मर जाओगे। बेटी जल्दी से जा लेकर आ, लेकर आ। तेलू। हाँ गुरु। चल यहाँ बैठ। दुनिया में हर इंसान नहाता है, लेकिन बियर से नहाने वाला सिर्फ मैं होऊंगा। अरे बाप रे बाप, बहुत ही ठंडी है। तो फिर खाने का भी ऑर्डर दे दो, मजा आ जाएगा। देता हूँ, अभी ऑर्डर देता हूँ मैं। अबे ओ बटू, 10 प्लेट चिकन लाओ और साथ में गर्मा गर्म मछलियाँ भी लाओ, मुंडी कटा हुआ केकड़ा मसाला भी लाओ, ये सब जल्दी लेकर आओ। विस्की बोतल साथ में लाओ। तिलू आज तो बहुत जोरों से भूख लगी है, जमकर खाऊंगा। ये सूरी गधा का स्पेशल मेनू है। जी हाँ बाबू, गधा ही अच्छी लात मार सकता है, मैं समझ गया। बाबू ऑर्डर पूरा हो गया या और भी कुछ चाहिए? बस हो गया, अब मुझे कच्चा अंडा लाकर दे दो। अंडा किस लिए? समझ गया, आप एक खाने में किसी की नजर ना लगे इसलिए ना। हाँ। नहीं, वो मेरे प्यारे से बच्चे के लिए।
ये सांप कहाँ से लाए हो? मेरे गुरु को ये जंगल में दिखा। जैसे ही गुरु इसे मारने लगे, सांप जोर जोर से रोने लगा। इसका खाना अंडा है। अंडा लेकर आता हूँ। चमा, कंपनी का नया पैकेट लेकर आए हो। धंधा जोर से चलाने के लिए और माल कमाने के लिए नई नई आइटम लानी ही पड़ती है, नहीं तो कैसे चलेगा। छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। गंगू, पांच मिनट के अंदर तुम रोना बंद करो और बोली के लिए तैयार हो जाओ। हाँ पिताजी, कहिए कैसे हैं? इतने दिनों बाद हमारी याद आई। बस कर, ये प्यार क्यों जता रहे है, पता चल रहा है। क्यों माँ, कैसी हो? एक हफ्ते से तुम लापता हो, आज हमारी याद आई है। इंसान होने के नाते मेहनत करो, सुस्ती में मत रहो, समझे? हाँ हाँ, तुम क्यों खाकर पड़े रहते हो? मैं घोड़े को घास खिलाने ले जा रहा हूँ। वो बात नहीं है, तुम महीने में 25 दिन इधर उधर घूमते रहते हो, हम तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। माँ क्यों चिंता करती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। भरत, माँ तुम बेकार चिंता करती हो, मुसीबत टल चुकी है, अब तो सिर्फ मैं आगे की सोचता हूँ। हाँ और सुनो, पहले जो रुपए जमा किए थे उनमें ये 5,000 रुपए और जोड़ देना, ठीक है माँ? रुपए जोड़ देना, मगर रुपए तो पिताजी के पास हैं। वो सब रुपए अपने जगह सही सलामत है, जाओ ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बकबक कर रही हो, और काम धंधा की नहीं, हमें चलना है। चल बाबा चलते हैं। कहाँ चलना है? अरे सब मुझे मत पूछ। क्यों माँ, रुपए के बारे में बताते बताते तुम रुक गई थी, क्या हुआ है? तुझे क्या करने, सब जान के छोड़ना। चल सुन मेरी बात, तुम्हारे पिताजी वो सब पैसे जुए में हार गए। बताओ माँ क्या हुआ है? मुझसे मत पूछो बाबा, वो सब रुपए तुम्हारे पिताजी जुए में हार चुके हैं। जो हमें बताना था वो हम तो बता चुके हैं। सारी राम कहानी कहने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो भी कह दो। पिताजी आप एक बार फिर से जुए में पैसे हार गए? तेरी माँ और मेरी बीवी की कसम, मैं हारा नहीं था, मैं तो जीत गया था, लेकिन कुछ गुंडों ने जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन लिए। कौन थे वो लोग? भूपति के ही गुंडे लोग थे सब, वो जिन्होंने पैसे छीने थे। मेरे साथ क्लब में चलिए। अगर किसी माई के लाल में दम है तो मैदान में आए और पत्ते काट के दिखाए। आए 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 आ जाए, आओ आओ, मेरा सारा पैसा जीत कर दिखाओ। आओ आओ, कोई नहीं है क्या मैदान में? आप मुझे माफ करें। What man, खेलोगे? अगर आपको तकलीफ ना हो तो। अगर एक और खेलने वाला हो तो खेलने का मजा ही कुछ और। चलो शुरू करते हैं। ए रोजी, ये भूपति इसको आज कंगाल करेगा। चल पत्ता काट। ड्रॉप। क्यों डर गया क्या बिड़ो? अब ये सारे पैसे हो गए मेरे। सत्यानाथ। हे मैन, तुम्हारी बारी, पत्ता पीसना आता है क्या?
मैं ही शोमैन। इक्का इक्का इक्का। चीटिंग, धोखा, फ्रॉड। मैं तुम्हें पत्ते पीसते समय ही समझ गया था। अच्छा? कि तुम चीटिंग कर रहे हो। वन ड्रिंक मिस्टर। मेरे से पंगा, मैं ही मैन हूं। मैं चीटिंग करने वालों की धुलाई करता हूं। खैरियत चाहते हो तो सारा रुपया लौटा दो। लौटाना जरूरी है क्या? तुम ही हो बच्चे, अभी तुमने देखा ही क्या है। चाहो तो एक बार और करके दिखा सकता हूं। करके दिखाऊं? अबा अबा, अब बताओ बच्चे, शोमैन कौन है? आप ही हो। वो कैसे? अभी शो बताया ना आपने। गुड। वंडरफुल वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। आप सिर्फ जुए में ही नहीं, फाइटिंग में भी ग्रेट हो, ग्रेट हो। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद भूपति और उसके आदमी हमारे यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको रोज आना पड़ेगा यहाँ पर। आप आएंगे ना हमारे यहाँ? थैंक यू बेबी।
हसीनों के दिल में है हम, जवा धड़कनों की जान है हम। सारे हसीनों के दिल में है हम, जवा धड़कनों की जान है हम। जाता हूँ मैं जहाँ भी कहीं, जा जाए मेरा जादू वही। हसीनों के दिल में है हम, जवा धड़कनों की जान है हम। सारे हसीनों के दिल में है तू, जवा धड़कनों की जान है तू। अरे जाता हूँ मैं जहाँ भी कहीं, जा जाए मेरा जादू वही। तू हीरो, मेरा हीरो, तू हीरो, तेरी स्टाइल सबसे जुदा। Thank you.
आपने। एक खिलाड़ी बहुत से नोटों के बंडल लेकर खेलने आया था, उसे पिलाकर हराने की कोशिश में तुम पूरी तरह नाकाम हो गए, निकम्मे कहेंगे। सच है? ये सब आपको कैसे पता चल गया? इतना भी अगर मुझे पता ना चल सके तो फिर भला मैं इतना बड़ा कारोबार कैसे चला सकता हूँ? बताओ, मैंने पत्तों का बिजनेस तुम्हें सौंपा था, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। भाई, मैं पत्ते पिसने में माहिर हूँ, चीटिंग करने में माहिर हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे कोई सुनिए बॉस, ये सही कह रहा है। थैंक यू छोटे, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं बॉस, उसे मजा चखाने के लिए आप इस कोड़े का इस्तेमाल कीजिए। अरे छोटे, मारने में भी तुम क्वालिटी बता रहे हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम लोग होशियार नहीं रहोगे, सबकी चमड़ी उतार कर अपने जूते बनाऊंगा। ये क्या, सिगार की बदबू कहां से आ रही है? कौन है वहां पर? मैं हूं, इधर मैं हूं। इतना भी पता नहीं कर सके जगतपति गधे? सिगार की बदबू से ही तेरी बदबू आई है गंदे आदमी, तू यहां क्यों आया? ये क्या बात है जगतपति भाई, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुम्हारे बीते हुए दिन तुम्हें याद है? आज तुम मुझे सिखा रहे हो सड़क पर फैले हुए कचरे चुना करते थे गंदगियों में से। मुंह बंद कर। क्या मैं इतना गंदा हूँ? ऐसा मत बोल यार, मुझे तुझसे प्यार है। तुम यहाँ से जाओ, बदबू बहुत आ रही है। मेरे खुशबू को बदबू बोलता है? तू भूल गया अपनी बदबू को कचरे में से जो आती थी? Shut up, get out. मुसीबत बोलकर नहीं आती, लेकिन अच्छा यही है कि हम होशियारी से रहें। खास तौर से तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हेलो, व्हाट डू यू वांट मैडम? व्हिस्की, बियर, क्वार्टर, रम, जिन? मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए हैं। भरत नाम के आदमी की तलाश है, क्या वो यहाँ पर मिलेंगे? वो तकरीबन एक घंटा पहले यहाँ पर था, वो फिर भी आ सकता है। तब तक आप उनका इंतजार कीजिए। तब तक आप जैसी खूबसूरत लड़की का यहाँ पर इंतजार करना ठीक नहीं है। टोकना मत, भरत पास ही में अपने दोस्त के घर गया है, आप अगर चाहें तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आपको मालूम है? चलिए बताइए। चलें। मैडम, 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 मैडम। क्या हुआ बे? मैं कह रहा था कुछ लेकर जाओ। चलो। बेचारी खूबसूरत लड़की इसके चक्कर में आ गई। आइए, इसी आलीशान जगह पर वो मिलेगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। देखो, मैं एक सोने की चिड़िया पटा कर लाया हूँ, इसे धंधे में डालकर माल कमा लो। चमचमा, मैं उस लड़की को संभाल लूंगी। मैं इस खूबसूरत हसीना के लिए 3,000 रुपए दूंगा। इस हसीना की बोली 5,000, इस खूबसूरत हसीना के लिए 11,000। और कोई है क्या बोली लगाने वाला? चाहे बोली हो या खेल हो, इस इलाके में कोई भी ऐसा मर्द नहीं जो हमसे जीत सके। आइए भरत बाबू, आइए, सच्चा आदमी तो अब आया है। पहले लड़की को चमचमा कर देख लीजिए, और अगर वो पसंद आए तो अपनी बोली लगा लीजिए। रुको, ए, क्या है, इस तरह बोली बढ़ाकर आपस में झगड़ा क्यों करा रही है? क्या नाटक है ये? बोली मैं नहीं बोलता, अपनी बोली मैं तुमसे बुलवाऊंगा, समझे? तुमको मैं गोली मार दूंगा। Thank you.
मुझे छोड़ दो। आज के बाद तुम सब लोग यहां से आजाद हो गई हो। अपने करीबी रिश्तेदारों के पास जाकर नई जिंदगी शुरू करो। कम ऑन, गो अहेड। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Yeah.
तुझे कुत्ते की तरह मार के सारे धंधे को बर्बाद कर दिया और तू खाली हाथ चला आया बेवकूफ अपनी मनहूस शक्ल दिखाने के लिए मुझे। मैंने तो सोचा था गोली मार दूंगा, क्या करूं, मेरे गोली चलाने से पहले उसने मुझ पर गोली चला दी। ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे नहीं, जल्दबाजी में अपने हाथों को तकलीफ मत दो, ये नया हंटर लाया हूं, ये लो इसे इस्तेमाल कर। हमें आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपने धंधे को चौपट करने वाले उस भरत को मारकर कब्रिस्तान पहुंचाना चाहिए, उसके लिए आज की रात ठीक है। कहां जा रहा है? घोड़ों को खिलाने पिताजी, घोड़े भी तो हमारी माँ जैसे हैं, चलता हूँ। घोड़ा भी तेरी माँ जैसा है? तुम भी उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? बाहर कोई आया है जाकर देखो। पिताजी, पिताजी, मैं तुम्हें बचा लूंगा पिताजी। नहीं बेटा, मेरी जान उतनी जरूरी नहीं जितने जरूरी है वो बात तुमसे मैं कहना चाहूंगा। क्या पिताजी? हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरे मरने से पहले ये सच्चाई मैं तुम्हें बताइए बताना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, पिताजी, तुम मेरे बेटे नहीं हो बेटा। क्या? भरत, तू मेरा मेरा बेटा नहीं है। हाँ बेटा, तू मेरा बच्चा नहीं है। सूरी नाम का एक आदमी तुझे उठा कर लाया था, तेरे शरीर के ऊपर जो सोना पहने हुए था उसी की वजह से वो तुम्हें मारना चाहता था, मैंने तुम्हें बचा लिया था, उसके बाद मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तुम्हारे माता पिता के बारे में सूरी को जरूर मालूम होगा, तुम उसे पकड़ो, तुम्हें अपने बारे में सब पता चल जाएगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। भरत, जो लोग चले गए अब उनको याद करके दुखी होने से क्या फायदा? सपना, वो लोग मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे और मुझे जब ये पता चला कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं तो वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्या कह रहे हो भरत, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे? तो तुम्हारे असली माँ बाप कौन है? ये बात
इस दुनिया में केवल सूरी नाम के आदमी को पता है, पर वो सूरी कहां मिलेगा मुझे नहीं पता। सूरी? अरे उस दरिंदर को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर उधर गिरता रहता है, हमारे बाड़ में आके हमेशा मचमच करता है। हमेशा आता रहता है क्या? वो कहां रहता है? बताओ। उसका कोई पता ठिकाना नहीं, वो कब कहां रहे किसी को पता नहीं। इस बार को छोड़कर वो गांव में कहीं और भी जाता है क्या? जाता है बाबू, जाता है। इस गांव के सभी कमीनों का ठिकाना है जगतपति का घर, वो भी जाता है। लेकिन क्या रिश्ता है जगतपति से ये मालूम नहीं। कौन हो तुम? ताश के खेल में तुम्हारे छोटे भाई को हराने वाला और लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाले बड़े भाई को सबक सिखाने वाला नाम है भरत। ओह, तू ही है क्या वो मर्द? यहां क्यों आया है? तुमसे एक सच्चाई जानने आया हूं। सूरी कहां है? सूरी कौन है वो? नाटक मत करो जगतपति, वो हमेशा तुम्हारे घर आता है इसका मुझे पता है। तुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर तुम सूरी का पता नहीं बताओगे तो अपने बारे में अच्छी तरह समझाना पड़ेगा तुम्हें। अनजान जगह आते वक्त जरा आगे पीछे देखकर आना जरूरी है। एक बार तू पीछे मुड़कर देख। पीछे मुड़कर देखना भरत की शान के खिलाफ है। अगर देखूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा तू देख नहीं पाएगा। अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा सूरी कहां है। क्या देख रहा हूँ भाई, ये कौन है जो जगतपति को मजा चखा रहा है? अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसका बैंड बजा दूंगा और हमेशा के लिए इसकी छुट्टी कर दूंगा। सॉरी। टिंगू टिंगू, मेरा नाम हिंदुस्तान में नंबर वन शूटर में आता है, आज मेरा निशाना क्यों चूक रहा है? ए सॉरी,
मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे सोए हुए घोड़े को जगाकर मैंने अपने ऊपर इलाज बनवाई, लेकिन इसे मेरा नाम किसने बताया? मैं तो भागता हूँ। रुक जाओ। गोली से बचने के लिए भाग जाना सूरी की खासियत है। चल भाग बेटा सूरी। पर गिरना चाहिए था वहीं पर गिरा है। अब आएगा मजा। जंगली लोग इसे पकड़कर मारकर पकाकर काटकर खा जाएंगे, गटक जाएंगे, निगल जाएंगे। चल बेटा सूरी, बाय बाय, सी यू, टाटा। डिगु 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 डिगु। खोखला करने वाले अंग्रेजों की जूठन खाने वाले गद्दारों, हम माँ को गिरवी नहीं रखेंगे। हम अपनी जान दे सकते हैं, पर आए देश के लुटेरों के सामने ना हमने कभी सर झुकाया है और ना कभी झुकाएंगे, चाहे हमारी गर्दनें कट जाएं। एम, शूट। पिताजी, हमारी आजादी को हमारी जगह से चुराने वाले, मेरे पिताजी को अन्याय से मारने वाले उस गद्दार मेयर को, मैं उन लोगों को पकड़कर उनकी जान लेकर रहूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने देश की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। बिजली, मेयर का आदमी हम लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। लोगों की जान लेने के लिए तुम्हें लालच देकर उस गद्दार मेयर ने तुम्हें हमारे यहाँ पर भेजा है ना? तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं किसी और का पीछा करते हुए आ रहा था, गलती से तुम्हें मिल गया। ये सब झूठ है। हम जंगली है ना, सोचते हो झूठ बोलकर तुम हमसे बच जाओगे? इसलिए आपने मुझे रुकने के लिए कहा धर्मादेव? जान लेते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस इंसान की जान जाने के बाद ये सोच कर कि हमसे गलती हो गई, पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। धर्मादेव, ये शहर वाला अपने दुश्मन उस गद्दार मेयर का आदमी है। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है कपूर भी खाने से नमकीन लगता है, तो क्या तुम उसे नमक कहने लगोगी? मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेयर का आदमी नहीं है, ये तुम कैसे जानते हो? अगर ये मेयर का आदमी है तो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर सैनिक आते ही होंगे, तभी उन लोगों के साथ हम इसे भी मार डालेंगे। जल्दबाजी मत करो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप तो नाम के साथ आदमी भी धर्म मूर्ति लगते हैं। इन गुस्से लोगों का सरदार होने के बावजूद आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। हे
गोली निकल गई है, घबराने की कोई बात नहीं। मेरी रात दिन सेवा करके तुमने जान बचाई, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे घर में फिर से आएंगे, ये आप मुझसे वादा कीजिए। कुछ पाने की उम्मीद लिए जा तो रहा हूँ मैं, मगर पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं। ऐसा मत कहिए, अंधेरी रातों में भी मैं अपनी आंखों को दिया बनाकर आपका इंतजार करती रहूंगी। आपको लौट कर आना ही होगा। बिजली,
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। अब मेरा आशीर्वाद है। मैं जल्दी लौटूंगा धर्मा जी। जा कर आओ। दुनिया में इंसानियत और ईमानदारी अभी भी जिंदा है, ये मानने के लिए इस बात का उदाहरण तुम ही हो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चलता हूं बेटी। तुमने हमीदपुर की सराय में 3 लड़की की इज्जत लूटी और जब पुलिस के आदमी उन लड़कियों को बचाने के लिए गए तो उनका भी कत्ल कर दिया। इस पूरे घटना के 2 चश्मदीद गवाह थे, तुमने उनको भी मार डाला। सराय के बैंक को लूटकर उसमें आग लगा दी। एक छोटे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए और उसके सोने के जेवर लूटकर उसे भी मार डाला। इसलिए कानून तुमको सजाए मौत का हुक्म देता है। अरे शेरिफ साहब, मुझे मरने से पहले चिकन बिरयानी तो खिला दो। शट अप। अरे इसके पास तो मच्छी, अंडा, केकड़ा, झींगा, चिकन, पुलाव, इसे देने के लिए बोलो ना। कहो कि तुम अपने पिताजी के नाम पर अनदान कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मतलब? चुपचाप खाओ पियो बस। जेल से प्लेट लेकर आया हूँ, इसमें डालकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। आहा। ओ, अरे गुरु, मेरी बदबू बर्दाश्त करते हुए मुझे खाना दे रहे हो, क्या तुम सचमुच बदल गए हो या फिर तुम बहुत बड़े गुरु घंटाल हो? कौन हो तुम बताओ तो सही। इतनी भी जल्दी क्या है, खाना खाओ। पता नहीं, उस दिन तो कुत्ते के माफिक मेरे पीछे पड़े थे, आज तो मुझे मटन खिला रहे हो। कैसा है ये बंधन तेरा मेरा। खाता हूं, खाता हूं। अरे गुरु, ये अंधा कौन है? मेरे खाने में से हिस्सा मांगने आया है, नहीं दूंगा। ये डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर, डिंगू डिंगू, समझ गया, सब समझ गया। मेरा खाना हजम नहीं हुआ इसलिए बुलाया है। तुम कितने अच्छे हो, मेरे माता पिता भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखते थे। 25 साल पहले हमीदपुर की सराय से तुम एक बच्चे को उठा लाए थे, याद है ना? खाना खाने वक्त ये पुरानी बातें क्यों पूछ रहे हो? मुझे वो जेवर चाहिए। उस बच्चे को पकड़कर उसके जेवर छीन लिए थे, याद है ना तुम्हें? डिंगू डिंगू, उस कटीले बच्चे को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे उस कमबख्त ने मुझे बहुत जोर से काटा था। मैंने भी उस बच्चे की गर्दन मरोड़ने की कोशिश की पर मामला जमा नहीं। छोड़ो यार, उस बच्चे के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। अच्छा तो ये बात है। मुझे बचाकर, मुझे खिलाकर मेरी ही गर्दन मरोड़ना चाहते हो तुम? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। उस दिन तुम मुझे कहां से उठाकर लाए थे और मेरे माता पिता कौन है? अरे बाप रे, फंस गया हूँ, इसीलिए तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे थे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे ये बियर भी नहीं चाहिए, मुझे ये खाना भी नहीं चाहिए, ये बिरयानी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अरे अरे छोड़ो मुझे। आज मैं तुझसे ओगलवा कर रहूंगा। बताओ तू मुझे कहां से उठा कर लाया था? अरे अरे अरे, मेरे माता पिता कौन है? मुझे पता नहीं। पता कौन है मेरे माता पिता? अरे अरे, अगर मुझे पता होता कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं उसी दिन तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे मार देता। मत मारो, मुझे माफ कर दो। तू मेरे हाथों से मर ना जाए इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अरे रे रे, मर गया रे। अरे डॉक्टर ऐसा बोल के मैं मर गया हूँ और मुझे उठाकर बाहर फेंक दे, समझा तू? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा डॉक्टर। बाप रे बाप।
तेरा ये नाटक मेरे साथ नहीं चलने वाला, पता कहाँ है। मुझे मत मारो। बता मेरे माँ बाप कौन है? बताता हूँ, तेरे पिता का नाम धर्मदेव है। देश से गद्दारी के इल्जाम में वो पहले ही भाग चुका है। मेरी माँ कौन है और वो कहाँ है? वो भरत अम्मा, आजकल वो हमीदपुर के जेल में सजा काट रही है। मेरी माँ जेल में सजा काट रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? चोर हो, डाकू हो, गुंडा हो, कौन हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन हो तुम? मैं इस बस्ती में नया आदमी हूँ। यहाँ किस जुर्म की क्या सजा दी जाती है आप बता सकते हैं? ओहो, कायदा कानून जानना चाहते हो? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे परेशान किया? मर्डर के लिए फांसी की सजा, रेप के लिए उम्र कैद, चोरी के लिए 6 महीने की कैद, चीटिंग के लिए 3 महीना, छोटी मोटी गलती के लिए 1 महीना, कानून के खिलाफ जाओगे तो 1.5 साल की सजा होगी। हाँ, मुझे इतनी बड़ी सजा के बारे में नहीं जाना। 2-3 दिन के लिए अगर जेल जाना हो तो क्या करना होगा? ओहो, इतनी सी बात, इसके लिए तुम किसी बड़े आदमी को 1 थप्पड़ कान के नीचे खींच के बजाना, 4 दिन की सजा हो जाएगी। इस समय मेरी नजर में तो आप ही बड़े आदमी है। अरे रे 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 रे, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है के तुम बार बार मुझे बड़ा आदमी समझ रहे हो। इसमें कोई शक की बात तो नहीं है ना? नो 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 नो, तुम्हें अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं। औरत कौन है? भारतीय अम्मा, देशद्रोही की औरत। माँ हटिए, मैं कर देता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, माँ दीजिए। जिसको जो सजा मिली है उसे ही भुगतना चाहिए। तुम उसका काम करने वाले होते कौन हो? जाओ यहाँ से। मेरी माँ वजन नहीं उठा पा रही है, इसलिए मैं ये वजन उठा रहा हूँ। इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। इसकी सजा मैं भुगतूंगा, उसका खाना मैं खाऊंगा। यहाँ पर तेरी हमदर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसकी जो सजा है वही भुगतेगा, समझे? ले जाओ इसे। खुद को होशियार समझती है, तेरा काम है, तू कर। गलती मैंने की है, मुझे मारो। इस बूढ़ी औरत पर हाथ मत उठाओ, मारो मुझे, मारो। पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। बेटा लगता है तुम्हें बहुत जोर से मार लगी है। मेरे लिए इतनी मार क्यों खाई है तुमने, बताओ? अगर तुम मुझसे हमदर्दी न जताती तो ये सजा तो नहीं पाते। जन्म देने वाली माँ अगर तकलीफ में हो तो कोई बच्चा अपने रास्ते पर नहीं जा सकता। माँ कौन हो तुम?
9 महीने पेट में रखकर जिसे तुमने जन्म दिया है मैं वही बच्चा हूं मां। बेटा, तुम मेरे बेटे हो। हां मां, तुम्हारा बेटा। तुम जिंदा हो ये मुझे पता नहीं था। इतने साल तुमसे दूर रहा। होशियार समझती है, अपना काम छोड़कर क्या बातें कर रही है। यहां से निकलना होगा, चलो। राज के साथ गद्दारी करके भाग गया है, क्या तुम उसी गद्दार के बेटे हो? क्या तुम्हें उसी गद्दार ने यहां भेजा है ना? नहीं, अपने जन्म के बारे में मालूम करके अपनी मां के पास आया हूं। मेरे पिताजी को आपका कानून देशद्रोही क्यों कहता है यही जानने के लिए आया हूं। मेरी मां ने क्या पाप किया है खुद मेरी मां को भी पता नहीं, और आप लोगों ने उन्हें सलाखों के पीछे बंद करके रखा है। मैं उन्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। उसी देशद्रोही के लड़के हो तुम। माफ कीजिए, द्रोही कह के मेरे पिताजी को बदनाम करने से पहले मुझे बताइए उन्होंने क्या गुनाह किया है, मेरी मां ने क्या जुर्म किया है बताइए। अच्छा, तो तुम वो सब जानना चाहते हो, तो सुनो। हमारे राज्य के पूरे खजाने का वो उच्च अधिकारी था और मेरे भी बहुत भरोसे का आदमी था वो धर्मदेव। आज से 25 साल पहले का वाकया है जब अंग्रेज पूरे भारत देश पर हमला कर रहे थे। धर्मदेव, तुम इस वक्त देश के हालात को अच्छी तरह से देख रहे हो। मुझे अपने खजाने और कोहिनूर हीरे की बहुत फिक्र हो रही है, और उन अंग्रेजों की नियत हमारे कोहिनूर हीरे पर भी है। इसलिए हमें राज्य के खजाने के साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो हमारे देश की अनमोल संपत्ति है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। हम अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारे देश का गर्व है वो कोहिनूर हीरा। राज्य का खजाना एक जगह सुरक्षित रखा हुआ है, आप चिंता ना करें। वो कितना ही सुरक्षित हो मगर वो अंग्रेज उसे हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अब मैं तुमको फिर से ये जिम्मेदारी देता हूं कि तुम उसको ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो जहां दुश्मन तो क्या हवा भी ना पहुंच सके। सही सलामत लौटो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। बेटा, शरारत मत करना, माँ का कहना मानना। ठीक है पिताजी। क्या हुआ सूरी सिंह, क्या ये सच है? जी हाँ माँ प्रभु, अपने भरोसे का विश्वास दिलाकर उस देशद्रोही ने पीठ पर छुरा मारा है। जंगल के रास्ते जाते समय अपने ही आदमियों को चुन चुन कर मार कर सारा खजाना लेकर भाग गया।
जिस पर हमारे राज्य को और हमारे देश को गर्व था कि वो एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी है। वही आदमी हमारे खजाने को लेकर और हमारे आदमियों को मारकर भाग गया। वही तुम्हारा पिता धर्मदेव है। इसलिए तुम्हारे पिता के गुनाहों की सजा तुम्हारी मां सलाखों के पीछे भुगत रही है। सूरी सिंह की गवाही के अलावा और कोई भी नहीं। मेरे पिताजी गुनाहगार हैं ये साबित करने के लिए उस आदमी के अलावा और कोई भी गवाह नहीं है। उसकी बात पर भरोसा करके आप लोग भला मेरे पिताजी को देशद्रोही कैसे मान सकते हैं? द्रोही नहीं है तो वो खजाने के साथ लौट कर क्यों नहीं आया? कोई गुंडा या डाकू लूट कर ले गया होगा, इसलिए वो लौट कर नहीं आए होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस तरह तुम्हारे कहने से सच्चाई छुप नहीं सकती। सच बात यह है कि खजाना देख कर उसकी नीयत बदल गई। अगर मेरे पिताजी लौटकर सच्चाई को साबित कर दें, तो महाराज क्या वादा करते हैं कि आप उन्हें माफ कर देंगे? उस खजाने का क्या हुआ ये पता चलने के बाद ही उसे माफ किया जा सकता है। तो फिर मुझे एक मौका दीजिए, मैं पिताजी और कीमती खजाने को आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मैं एक महीने का समय दे रहा हूं, अगर तुम अपने पिता की तरह लौट कर नहीं आए तो ये ना समझना कि मैं तुम्हारे परिवार की गद्दारी को भूल जाऊंगा। उसकी सजा तुम्हारी मां को मिलेगी और उसको ये समय पूरा होने के बाद फांसी दे दी जाएगी। क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आज से 30 दिन के बाद मैं अपने पिताजी और उस कीमती खजाने को यहां लेकर आऊंगा और पिताजी को निर्दोष साबित कर दूंगा। इसे आजाद कर दो। मां, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कामयाब होकर लौटूं। तुम कामयाब होकर लौटो, इसके लिए मैं दिल से दुआ करूंगी। इसी से तुम्हारे पिता की ईमानदारी का सबूत मिलेगा। हाँ, ये तुम्हारे पिता का तोहफा है। भगवान श्री राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये क्या कर रहे हो? अकेली लड़कियों को देखकर बदतमीजी करना चाहते हो? अकेले लड़कियों का इस तरह जंगल में आना अच्छी बात नहीं है बेटी। फिर दोबारा मत आना, जाओ बेटी। सपना, क्या हुआ बेटी? मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ जंगल में कुछ लोगों ने छेड़खानी करने की कोशिश की थी। जी पिताजी, धर्मा ने वक्त पर आकर हमारी इज्जत बचाई और हमें घर भेज दिया। धर्मदेव? जी हाँ, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान का अवतार हो, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर बनाई। सूर्य सिंह,
उन गद्दारों के साथ तुमने भी हाथ मिला लिया है? वो पट मरा है न चूहा मरा है, मेरे जैसा कमीना आया है धर्मदेव। राजद्रोही, ये राज के खजाने को मैं नहीं ले जाने दूंगा। धर्मा के नाम से अब तक तुम कहां छुपे हुए थे अब पता चला। लोग कहाँ जा रहे हो? अन्याय का अंत देखने जा रही हूँ। मतलब तुम लोग गांव वालों के पास जा रही हो? जी हाँ, जरूरत पड़े तो हम लोग अपनी जान देकर भी धर्मादेव को बचाकर वापस लाएंगे। ये क्या कह रही हो बिजली? धर्मादेव क्या उनके पास है? जी हाँ, वो मेयर अपने सिपाहियों के साथ हमारे यहाँ आकर हमारे आदमियों को मारकर सारे गहने लूट कर ले गया, इसलिए हम आग का गोला बनकर जा रहे हैं। बिजली, उन्हें बचाने का हक जितना तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। वो तुम्हारे भगवान होंगे पर मेरे तो वो पिता हैं। क्या कहा? जी हाँ, चाहो तो ये लॉकेट देख लो। तो फिर ठीक है, हम सब मिलकर उस मेयर को खत्म कर देंगे। नहीं बिजली, सब लोग मिलकर लड़ने के लिए जाएंगे तो पिताजी की जान को खतरा हो सकता है। मैं अकेले ही अपने दिमाग से मेयर को मार कर आऊंगा। तुम लोग जाओ, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। मेयर से कहो मैं मिलने आया हूं। ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है सर? हेलो मिस्टर भारत। गुड मॉर्निंग मेयर। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, अचानक कैसे आना हुआ? कहा था ना मेयर, कभी न कभी जब आप सोच भी नहीं सकेंगे उस समय मैं आपसे अपना इनाम लेने के लिए वापस आऊंगा। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू यंग मैन। बेटी सपना, सपना क्या है डैडी? हाय। कब आया? अभी अभी आया है यहाँ हमें खुश करने के लिए, अपना तोहफा मांगने के लिए। अभी इनको वक्त मिला है। इतने दिनों तक कहाँ थे आप? एक खूबसूरत हसीना के दिल में घर बनाकर बस गया था। गुड गुड, कौन है वो लड़की? वो लड़की खूबसूरत है, परियों की तरह दिखती है। हर नेम इटसेल्फ इज अ ड्रीम। समझ गया वो यंग मैन, तुम्हारी बात समझ गया। तुम वापस नहीं जाना चाहते, हमारे साथ ही यहाँ रहने के इरादे से तुम यहाँ पे आए हो, समझ गए हम। बेटी सपना, इनको अंदर लेकर जाओ।
और रात में इनका ठहरने का खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर दो। Come on, take him. Okay, come. ओह, कई पेंटिंग्स बनाई है तुमने? हाँ। ये सब तो बहुत कीमती लगती है ना? इसकी कीमत का अंदाजा लगाते हैं तो इस तस्वीर को बनाने वाले सुंदर हाथों को चूमना होगा या फिर उसे बाहों में लेकर मस्ती में चूमना होगा या फिर अपने आप को उसे सौंप देना होगा। चेहरा मेरी यादों पे तेरा पहरा मेरे दिल में तेरी धड़कन धड़कन तेरे आने से आए मौसम तेरे जाने से जाए मौसम सांसों का तुझसे बंधन साजन है चांद और चकोरी तेरी मेरी ये जोड़ी है चांद और चकोरी तेरी मेरी ये जोड़ी जग छूटे रब रूठे ना छूटे साथ ये मेरी आंखों में तेरा चेहरा मेरी यादों पे तेरा पहरा मेरे दिल में तेरी धड़कन धड़कन चेहरा मेरी यादों पे तेरा पहरा मेरे दिल में तेरी धड़कन धड़कन शानदार बना है ना? यस सर। चिकन, वेरी गुड। चिकन के खुशबू से ही पेट भर जाएगा। प्रॉन्स, वेरी वेरी गुड। सामने रखते ही जोर की भूख लग जाएगी। फिश, बदबू,
ये बदबू कैसी, कहीं चूहा मर गया है क्या? डिगू 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 डिगू, मुझे काम धाम की जरूरत नहीं, जेब में पैसे खत्म हुए तो लेने के लिए आ जाता हूँ। डिंगू डुंग, काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास जो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले आए हो? लगता है तुम्हारा ही टाइम सही नहीं है, मुझे जाने के लिए कह रहे हो, लगता है तुम सारी बातें भूल गए हो, याद दिलाऊं क्या तुम्हें? बोलो। अपना पागलपन बंद करो, जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। गेट आउट। डिंगू डिंगू, मुझे मारने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, क्या बात करते हो तुम? मैं एक मिनट में 60 राउंड गोलियां चला सकता हूँ, समझे तुम? कल की बातें याद दिलाकर मुझे डरा धमका कर पैसे वसूलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें गोलियों से भून डालूंगा। ऐसा कहकर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है सो कर लो। तुम एक मिनट में अगर 60 गोली चलाओगे तो मेरा होने वाला दामाद आधे मिनट में 100 गोली चलाएगा। डिंगू डिंगू, मेरे जैसा गोली चलाने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। डरा नहीं रहा हूँ बेवकूफ, वहां देख मेरी बेटी के साथ जो है वही मेरा दामाद है। अरे पागल मेयर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और वो मुझे खत्म करने नहीं आया है, वो तुम्हारा घर चलाने आया है, जलाकर राख कर देगा, खाक कर देगा, समझे तुम? टॉपिक, वो मुझे क्यों मारेगा? क्योंकि अरे तुम्हारा दामाद धर्मदेव का लड़का है, उसके माँ बाप की बदनामी के कारण तुम हो इसलिए। डिंगू डिंगू। अरे धर्मदेव, अब तो उन छुपाए हुए खजाने के बारे में बता दे। दूसरों के पाँव में गिरकर जीने वाले गद्दार, दुश्मनों से दोस्ती करने वाले, तू मेरे साथ कुछ भी कर ले मैं नहीं बताऊंगा। डिंगू, ये तो बहुत बड़ा देशभक्त है, इसके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा। उस दिन तो तुम मुझे बहुत मार रहे थे, आज सारी कसर निकाल लूंगा। अगर तुमने अभी कुछ नहीं बताया तो तुम्हारी बेटे की आंखें मैं निकाल लूंगा। रुक जाओ, उसे कुछ मत करो, बताता हूँ। जल्दी बता, नहीं तो तेरे बेटे की आंख फूट जाएगी, समझा तू? बोल, जल्दी बोल। बताने से पता नहीं चलेगा, मैं साथ चलकर बताता हूँ। मेरे प्यारे बुड्ढे, तुझे मेरा नमस्कार, चलो अब चलते हैं। एक ही शर्त पर, मेरे साथ ये भी आएगा, नहीं तो किसी की भी जान जाए मैं नहीं बताऊंगा। ऑल राइट, तुम्हारे मुताबिक हम सब मिलकर जाएंगे। चलो सिपाहियों, जाकर घोड़े को तैयार करो, खाना जाकर पैक कराओ, चलने की तैयारी करो, चलो जल्दी चलो। डिंगू डिंगू, मेयर ये बात जगतपति के आदमियों को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सारा किया कर्म खत्म। हैंड्स अप। ये क्या है? ए सूरी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, ना तो तुम्हें खजाना दूंगा ना तो उसमें हिस्सा दूंगा। नहीं नहीं मेयर साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं जाने दूंगा, छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खजाना वजाना कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। हाँ जान दो। जाना ही चाहता है तो फिर गोली खाकर सीधा ऊपर जा। आ, 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 आ। इसकी लाश को ले जाकर बाहर। एक दो। जितना दिन वो जिंदा था उसने हमेशा गलत ही किया काम। ये क्या, तुम मरे नहीं थे? क्योंकि गोली मेरी जगह किसी और को लगी थी। इसने मुझे बचा लिया। अरे
टोपरी है, खून कहाँ से आया? इतने दिन जिसे दूध पिलाया उसी सांप ने खून बहाकर मेरी जान बचा दी। मेरी जान बचाई, मैं इसकी समाधि जरूर बनाऊंगा। अब यकीन हो गया ना तुम्हें कि मैं जिंदा हूँ? तुम्हें समझ में आया ना? ओ मैं जिंदा हूँ तुम्हें पता है, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं करना चाहिए। अब होगा खेल शुरू। से रास्ता बदलने वाला है क्या? जी हाँ, दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन रात में नहीं, सुबह होने के बाद चलेंगे। किस लिए? इस रास्ते से 2 किलोमीटर दूर आगे घना जंगल शुरू हो जाता है, उसमें खतरनाक जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं और रास्ता भी खराब है, हो सकता है वो हम पर हमला कर दें, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। मुझे क्या कहानियां सुना रहे हो धर्मदेव? मेरी बातें तुम्हें कहानी लगती हैं तो ठीक है, खुद ही जाकर देख लो। All right. रात यहीं रुकते हैं, सुबह चलेंगे। मेयर, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तेरी सेवा करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, पानी वहां है, जाकर पी लो। हेरो, अगर होशियारी करोगे तो धर्मदेव का सर उड़ा दूंगा। ए, तुम इसके साथ जाओ। पानी पीने के लिए गया है और अब तक आया नहीं, कितना पानी पी रहा है, जन्म भर का प्यासा है क्या? ए जाकर देख तो। जाकर देखो, कुछ भी गड़बड़ हो तो गोली मार दो, इन लोगों को मैं देखता हूं। ईमानदारी से बाहर आओ वरना धर्मदेव को गोली मार दूंगा। धर्मदेव
पिताजी मुझे वहां ले चलिए। खोलो, चलिए इस रास्ते से चलो। दक्षिण की ओर जाता है। इसे न तो मेयर ने न ही उसके आदमियों ने मारा होगा, भरत या उसके पिता ने मारा होगा। तो उन्होंने रंजीत सिंह को भी मारने की कोशिश की होगी। ये तो मैं उस मुर्दे से पूछकर बताऊंगा, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। वो लोग जरूर इसी रास्ते से गए होंगे। ये तो कोई भी बता सकता है। यहाँ देखो उनके पैरों के निशान। ये लाश तो सड़ गई है। ची ची ची, ये तो मुझसे भी ज्यादा बदबू दे रही है। चलो उनका पीछा करते हैं। चलो साथियों जल्दी चलो। बेकार हो गई, इतने दिनों की मेहनत सारी की सारी बेकार हो गई। अब हम उस खजाने के पास नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्यों? बेटा, मैं उस दिन यहां पर खजाना लेकर आया था और इन दो पहाड़ों के बीच में एक पुल था जिसे पार करके मैं गया था और उस पार जाकर खजाने को जंगली कबीले वालों के पास रखा था। अब वो पुल यहां पर नहीं है, बीच में इतना फासला हो गया है, कैसे जा पाएंगे? यहां पर एक बहुत ही बड़ी नदी है, अगर दूसरा पुल बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। पिताजी, मैं इन पहाड़ों के पार जाकर उस खजाने को लाऊंगा। बेटा, ऐसा करना तुम्हारी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। उस खजाने को मैंने कबीले की गुफा में रखा है।
बेटा। चिल्लाओ मत, तुम भारत के लिए बड़ा दर्द हो रहा है धर्मदेव। मैं तुम्हें अभी भारत के पास भेज देता हूँ। अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो बंदूक फेंक दो। पिताजी, आपकी हकीकत जानने के बाद मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी बनकर इस धरती पर जन्म लिया। अगर तुम मुझे चाहते हो तो अभी सुधरने की कोशिश करो। सुधरने के बाद भी तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मेरे पिता का कत्ल करने वाले जालिम, मैं आज तुझको अपने हाथों से मौत की नींद सुनाऊंगी। ये मरना नहीं चाहिए। मेरे पिता की आत्मा की शांति और मेरा गुस्सा ठंडा होने के लिए इसका मरना जरूरी है। और मेरे पिता को निर्दोष साबित करने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। भारत। हाँ बिजली, दुनिया को सच्चाई बताने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। इसे मत मारो। बिजली, आज तुम्हारी मदद से ही मैं अपने राज्य के खजाने को दुश्मनों से बचा पाया हूँ। इसके बदले में तुम उससे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। कुछ भी मांगो। हाँ, कुछ भी। वादा करो कि तुम ये बात कभी भूलोगे नहीं।
सनम आज खोलो क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हारे पिताजी के गुनाहों का तुमसे क्या लेना देना? भरत, कोई पड़ा हुआ है ऊपर आसमान में, गिद्ध घूम रहे हैं, मतलब मर गया होगा। रुकिए, मैं जाकर देखता हूं। मैं कहां से आकर यहां गिरा हूं, जिंदा हूं देखकर कैसा लग रहा है? आ? मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? ना 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 ना, एक बार पलट कर तो देखो। ये कीमती खजाना हम चारों आपस में बांट लेंगे। जी हाँ। डिगू, डिगू। अरे जगतपति,
तेरे आदमियों के रिश्तेदारों को बुलाकर बांटने से क्या फायदा, हम दोनों ही बांट लेते कितना अच्छा होगा, आधा आधा। सॉरी, मुझे भी उसमें हिस्सा चाहिए। अबे साले मेयर, तुझे इसमें हिस्सा चाहिए? तुझे उसमें नहीं, इसमें हिस्सा देता हूँ। मुझे मारने की कोशिश की थी तूने? तुझे मारकर तेरी बोटी बोटी कुत्तों को खिलाऊंगा। हाँ। मुझे मारोगे तुम तो खुद भी बहुत पछताओगे। इसलिए क्या तू मेरे साले हो मेयर? नहीं, इसे बेच नहीं पाओगे तुम लोग। अंग्रेजों से कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया है, मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा। सूर्य सिंह, ये सच बोल रहा है, इसे हमें अपने साथ रखना चाहिए। ये हमें आगे चलकर फंसाएगा तो नहीं? सोच समझ कर फैसला करो। नहीं, हम होशियार रहेंगे। अबे छोटे, खोल दे इसे। छोटे, इस बुड्ढे को लेकर जाओ और इसके लड़के के साथ बांध दो। छोटे, इन हसीनाओं का क्या करें? हमारे लिए है ये। अबे मुंह बंद कर जोकर, इन दोनों को कहीं सुरक्षित जगह ले जाओ, फिर दोनों का हिसाब किताब कर लेंगे। पहले बाप बेटे का हिसाब करो, उन्हें गाड़ दो जमीन में। इस बोतल में शराब है, थोड़ी थोड़ी तुम दोनों लगा लेना, अब सराय नाचती दिखाई देगी, मधुर स्वर में गाना गाएगी, तुम दोनों उनके साथ नाच करना, गिल 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 मजे के साथ डांस करना। इस बोतल के साथ ये चखना भी है, भूख लगे तो खा लेना, मजे करना, ऐश करना। डिंगो डिंगो डिंग 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 डिंग। चलो अरे ओ बुढ़िया, अच्छा खाना दिया जा रहा है तो तुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है? परसों तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है, तुम्हारे बेटे को दिया हुआ 30 दिन का समय बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आखिरी दिनों में अच्छा खाना खा के ऊपर जाने की तैयारी करो। आओ। इतना सा काम पूरा करने के लिए तुम लोगों को इतना समय लग गया? जल्दी से जल्दी इसे उस किनारे तक पहुंचा दो, इसके बाद कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझ लो हम जीत गए। चलो जल्दी करो। थैंक यू। बिना सुराग के बनाओ, बीच में पानी आया तो हम सब लोग इसमें डूब जाएंगे, समझे? टिंगू टिंगू।
हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकती है। आखिरी समय में इतनी गड़बड़ कैसे हो गई भगवान? मुझे कोई ना कोई पतली गली पकड़कर निकल जाना चाहिए। डिंगो डिंगो, यही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। भागो। यहाँ किस लिए आया गधे? इतना खा पी कर तगड़ा हो गया है, जाकर उन लोगों को मारो और नाम ऊंचा करो। नाम भी नहीं चाहिए और राज्य भी नहीं चाहिए, हम लोग इसे मिलकर बांटेंगे। बेटा खजाना लेकर भाग रहे हैं, पकड़ो। देखता हूं। सोचा गलती हो गई। खींचो।
कौन दोषी है और कौन निर्दोष है इस बात को सही सही यही गद्दार आपको बता सकता है। सुनिए डिंगू डिंगू डिंगू, प्रभु मेरे प्रभु, राजद्रोही कहे जाने वाला आदमी हर रास्ते से मैं ही हूँ। दो लोगों से हाथ मिलाकर राज की संपत्ति को लूटने की कोशिश की, उस संपत्ति को बचाने वाले धर्मदेव है। मुझे माफ कर दीजिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, भगवान मुझे माफ कर दो, माफ कर दीजिए। इसे गिरफ्तार कर लो। आपके राज्य का खजाना आपके हवाले कर रहा हूं, ये लीजिए महाराज। धर्मदेव, झूठ को सच मानकर तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया हमने, तुम्हारी धर्म पत्नी को सजा दी है हमने, हमारे इस गलती के लिए हमें बहुत अफसोस है। मैं और मेरा परिवार हमेशा इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। महाराज मेरी एक विनती है, झूठी गवाही देने वाले इस नीच इंसान को कड़ी सजा दी जाए। शाबाश, हम तुम्हारे इस ईमानदारी से बहुत खुश हैं, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। डिंगू 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 डिंगू। धर्मदेव, तुम्हारा बेटा तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, तुम दोनों को मुबारक हो। डिंगू डिंगू, अच्छी खासी थी मेरी जिंदगी, बर्बाद कर दी मैंने अपनी जिंदगी, मरने तक इसे कौन संभालेगा, ये तो भगवान को मालूम है। दारू भी नहीं है, चिकन भी नहीं है, अपने आप को गाली देकर जिंदगी भर जेल में जीना पड़ेगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर, बुरा सोचो तो बुरा ही होता है। डिंगू डिंगू। गांव जा रही हूँ भरत, सितारों की तरह तुम हमारी जिंदगी में आए, तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। चलती हूँ। थैंक यू बिजली।